ये भी आए क्यों इस सब हमारे इंतजार में। कुछ ये स्टफ इन्होंने प्रोवाइड किया था। सुभान अल्लाह जी सुभान। थोड़ी देर के बाद सबसे पहले जोहर की नमाज पढ़ लेंगे। अगर जज ही करना है ना इस वीडियो को छोड़ दो आप अजमेर की। और हेलो भाई लोग क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे सब मजे में होंगे। और आज फिर हम आ चुके हैं बेहतरीन सा ब्रांड न्यू सा ब्लॉग लेके। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इतने बजे देख सकते हो आप ठीक है। तो अभी जो है हमारा ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी जो है हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है वो हुई है मतलब अभी अभी एग्जैक्ट अभी है हम उत्तराखंड में। उत्तराखंड से अब जाएंगे हम अजमेर शरीफ में। तो आप सब बने रहिएगा। पिछला ब्लॉग जिसने नहीं देखा है ना यार बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग है जाके पहले वो देखो फिर ये देखो क्योंकि उसमें मेरी कुछ बातें हैं मतलब कोड वर्ड्स है ना कुछ ऐसे। तो आप जाके पहले वो देखो ठीक है। अब हम ट्रेन अब चलेगी हमारी। हमने तो मिल गए हम सीट्स वगैरह हमने ले ली अपनी। हमारे साथ है तनवीर मामू क्या हाल है जी ठीक हो। और अब जो है ब्लॉग हमने स्टार्ट कर लिया। चल पड़ी ट्रेन चल पड़ी चलो चलिए चलिए आगे से आगे से आगे हमने अपने बहुत चढ़े वहाँ से और हमने जा दिया। स्पोर्ट दिखाओ स्पोर्ट देख सकते हो। डरना नहीं गाइस ये सब लाशें बनी हुई है अभी। भैया एक कॉफी लगा लेना। सो गाइस सुबह सुबह कॉफी के साथ होगी शुरुआत। और इस प्यारी सी सुबह के साथ मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर का बहुत ही बेहतरीन व्यू है। और हम उठ चुके थे मतलब 5:30 बजे उठ चुके थे। अभी जब हम पहुँचे थे आई थिंक उधर जावड़ा कुछ था उसका नाम स्टेशन का तो उधर पहुँचे थे। तो अब पहुँचे हुए हम इधर जयपुर। जयपुर से मतलब एक और स्टेशन आएगा फिर उसके बाद एक और स्टेशन आएगा अजमेर शरीफ का। तो लगभग 8 बजे जाएंगे। तो अब जो है उठेंगे थोड़ा मुंह हाथ यहाँ कहाँ ही धोना है ट्रेन में बट चलो थोड़ा धोएंगे। तो करते हैं शुरुआत आज के दिन की यहाँ से ट्रेन से ठीक है। कुछ ये स्टफ इन्होंने प्रोवाइड किया था ट्रेन में जो अच्छा था साफ था नीट था बट नीट एंड क्लीन था। और ये स्टफ था कुछ ये हमने यूज नहीं किए पिल्लोस देख सकते हैं फैन भी है। ये कुछ स्टफ था हमने जो यूज नहीं किया बट अच्छा है स्टफ अच्छा है। ओहो गुड मॉर्निंग उठ गया अभी क्या बात है क्या बात है। और हाउ डिड यू फिर अरे करते कॉफी से शुरुआत आओ फिर आओ। तो गाइस कॉफी पी के बताते हैं आपको कैसी है। पानी है पानी के अंदर मिलाया हुआ इन्होंने वो पाउडर पाउडर मिलाया है ना ऊपर से अगर गिरे ना आ जाओ आराम से नीचे आ जाओ आ जाओ आ जाओ नीचे आने नीचे छलांग मारो आ जाओ। यस देख सकते हो गाइस कॉफी अच्छी है काफी अच्छी है। अच्छी नहीं है यार इतनी भी अच्छी नहीं है मगर ठीक है इतनी भी बुरी नहीं है राइट ये वर्ड बोला ना आपने यही बोल रहा था मैं इतनी भी बुरी नहीं है। तो अब सर दर्द एक चीज़ बोलूँ इस ट्रेन में ना हमारी पता नहीं क्यों बड़ा लंबा डिस्टेंस मतलब सफ़र था हमारा। कितने घंटे का सफ़र था कोई 14 घंटे का सफ़र था रुकी भी थी ना 15 घंटे का सफ़र था। और इसमें ना सर दर्द हो रही है कुछ ऐसे अब उठ के ना सर दर्द हो रही है पता नहीं। और बच्चे आए हुए हैं क्या हाल है ठीक हो कहाँ रहते हो आप कश्मीर में कहाँ काशोर अच्छा काशोर ठीक कश्मीर रहते देख सकते हो आप क्या हाल है भैया ठीक हो। ये ट्रेन के स्टाफ है सेक्रेटरी साहब क्या हाल है ठीक हो और जनाब ठीक हो कैसी रही रात अच्छी रही फर्स्ट क्लास रही गाइस फर्स्ट क्लास रात रही। और अभी भी ऊपर लोग सोए हुए हैं कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम
मगर अभी कर सकते हैं, टाइम हो चुका है उठाने वाले। अलार्म बजाया जाए। तनवीर अहमद शताब भट्ट इट्स कॉल्ड अवर सेफ्टी एंड देयर सेफ्टी बिकॉज हमने कुछ कुछ बंदे देखे वो ऐसे चढ़ जाते हैं और वो खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों की सीटों में आगे बैठ जाते हैं। ऐसी ये चीज़ का थोड़ा रोक होनी चाहिए, तगड़ी रोक होनी चाहिए। ठीक है, हमारी ये है प्रशासन से अपील है। अब चलो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। चलो ये कुछ बाहर का व्यू है, इधर जैकेट ही मैंने टंगाई हुई है। चलो जी। सो गाइज, ये जो ये एरिया है ना, ये एरिया दे रहा है गरम गरम हवा हर एक कैबिन को, और बहुत गर्म हो रहा है। और ये अभी देख सकते हो आप, ट्रेन की सफाई हो रही है। ठीक है, जा सकते हो भैया यहाँ से। चलिए, ये सब अब जो होगा इनको धोया जाएगा। क्या किया जाएगा? धोया जाएगा सबको। देख लो गाइज, धोया जाएगा। ये जो बंदे सोचते ना कि भाई ये जो होता है इसको रखा नहीं जाता है, मतलब नए लगाए जाते हैं, नए नहीं लगाए जाते, इनको धोया जाता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, चमचमाती सुबह। आप देख सकते हो अभी हम कूद हो रहे हैं, क्या बात है, क्या खूबसूरत है वो देखो। और अभी हम धो रहे हैं मुंह, कूद होने के बाद आप करेंगे बात। ठीक है, देखिए ऐसे पानी होता है इसका। ठीक है, तो गाइस ये दिखानी चाहिए छोटी छोटी चीजें, इससे क्या होता है ब्लॉग लंबा होता है। ठीक है, चलो गाइस एक मेरी भी बनाना। सो गाइस आप देख सकते हो अभी सूरज जो है वो निकल रहा है। सो गाइस मिलते हैं आपसे बाहर। ठीक है, बने रहिए। कॉफी पीनी है? कॉफी है? नहीं पीनी कॉफी। सो गाइस फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं अजमेर शरीफ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अजमेर शरीफ में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो अब जाएंगे हम होटल की तरफ। ठीक है, अब ढूंढते हैं कोई कुछ ऑटो वगैरह ट्रांसपोर्ट का जो होटल तक पहुंचा दे हमें। ठीक है, तो ये कुछ सुबह है। ठीक है, ये सुबह लोग आप देख सकते हो, ये सब हमारे इंतज़ार में देख सकते हो भाई लोग। मोस्ट वेलकम जी, वेलकम। ये हमारा इंतजार कर रहे थे तनु बाबू, हैं? ये हमारा इंतजार कर रहे थे गाइस, देख सकते हो आप। देखिए अभी पीछे लगे हैं, पीछे लगेंगे, अब काफी ज्यादा पीछे लगेंगे। ठीक है, हमारे साथ चलो, लेट्स गो। ठीक है, आ जाओ भैया थाना मंडी। बिजनेस चेक करो, बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस क्लास। ऑटो है 60 रुपए लेगा सबका। ऑटो में ऑटो का? हां सर, लड़का भाई ले चलेगा सर। तो भैया ऑटो वाले भैया आ चुके हैं। ठीक है भैया, ये कुछ रेलवे स्टेशन है अजमेर शरीफ का, देख सकते हो आप। ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है। सो गाइज फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं अजमेर शरीफ में, और ये सामने ही हमारे बुलंद दरवाजा है, देख सकते हो आप। बुलंद दरवाजा है, देख सकते हो आप, सुभान अल्लाह। और ये हम है। ठीक है, आज का व्लॉग जो होगा वो पूरा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। इतने सारे लोग हैं यहाँ, देख सकते हो। आज जो है आज शब भी है, शब बारात है आज रात में। तो आप जो है जा रहे होटल की तरफ, या होटल हमारा बिल्कुल साथ में है दरगाह के। ठीक है, वो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो, सुभान अल्लाह जी। अंदर से आपको ज़ारत की भी दिखाया जाएगा, पूरी जगह ही दिखाई जाएगी ज़ारत की। ठीक है, बड़ा कुछ दिखाया जाएगा, आप सिर्फ बने रहिएगा, काफ़ी सारे लोग दिखाए जाएंगे आपको।
आपका सिर्फ काम है सिर्फ बने रहिए इसमें कंटिन्यू, ठीक है। लोग अभी जो है हमारा नाश्ता आ चुका है, ये अजमेर में ये होटल है कुछ, इधर रास्ता खा के हम मिलेंगे आपसे, ठीक है। आप सब बने रहिएगा, आगे बहुत ही मजा आएगा। सो भाई लोग अभी जो है हमने फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, तो अब जा रहे हैं हम दरगाह की तरफ। तो अजमेर शरीफ हिंदल वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, ठीक है, जो सबके राजा हैं, अब जा रहे हैं हम उनके पास। हिंदुस्तान के राजा एक दर्जा है उनका, ठीक है, पूरी दुनिया में, ठीक है। तो आप सब बने रहिएगा, हम रेडी वगैरह हो चुके हैं, तो अब सीधा आपको मिलते हैं हम दरगाह के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से शॉर्टकट है, मतलब ये बड़े कम लोगों को पता है, इधर से अंदर है छोटा सा, चप्पल अंदर ले आए। तो भाई लोग अभी जो है हम दरगाह के अंदर आ चुके हैं, सुभान अल्लाह जी, देख सकते हो आप कुछ एरिया, और ये खादिम है आगे अच्छे जानते हैं। और आज जो होगा वो काफ़ी रश होगा यहाँ, क्योंकि जो मतलब कि आज शब भी है, शब बरात है, उसकी वजह से यहाँ बहुत ही रश हो जाएगा। आपको थोड़ी देर में हम ज्यारत भी करवाएंगे बाहर से, ठीक है, और बड़ा मज़ा आएगा, कवाली होगी, कवाली रात होगी, आज बड़ा कुछ होगा, ठीक है, देख सकते हो आप। तो भाई लोग अभी सबसे पहले हम जाएंगे अभी दरगाह की सलामी अभी पेश करेंगे, थोड़ी देर के बाद सबसे पहले जोहर की नमाज़ पढ़ लेंगे, टाइम हो चुका है, जोहर की नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद हम दरगाह में सलाम करने जाएंगे, ठीक है। सुभान अल्लाह जी। हाँ अल्लाह अभी नहीं दिखाएगा साइज, थोड़ी देर के बाद देख लो जो है इस साइड नमाज पढ़ने की, मतलब यहाँ मस्जिद है इस साइड में, ठीक है, पहले जाएगी इधर पढ़ेगी सबसे पहले नमाज, फिर नमाज पढ़ के सलामी पेश करना जाएगा, ठीक है। सुभान अल्लाह जी। ये जो ये अंगूर है सबको बांटे जा रहे हैं, जो जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं उधर, ठीक है, हमें भी दिए, हमने खा लिए, ठीक है, हमने नमाज वगैरह पढ़ ली है, तो नमाज पढ़ के आप जाएंगे थोड़ी देर में ज़ियारत करने अंदर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ से हम लुक दिखवाते हैं दरगाह की, कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, देख सकते हो आप यहाँ से ही, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। सब कमेंट्स में लिख के लिखिए जी, सुभान अल्लाह, ठीक है, क्या बात है। देखिए लोग अपनी अपनी जिस जिस की मुराद जब पूरी होती है ना, मतलब अल्लाह जब कबूल करता ना उनकी दुआएं इनके वसीले से, तो जब हो जाती है तो ये सब ये फूल चादर वगैरह सब चढ़वाते हैं, अपनी अपनी मर्जी, अपनी कैपेसिटी है सबकी, अपनी कैपेसिटी है सबकी, देख सकते हो, जिसका दिल करता है चढ़ा सकता है। चल रही है कवाली है, देख सकते हो आप, अपना अपना सबका, किसी को कोई इंसान जज नहीं कर सकता, कोई किसी को जज नहीं करता। कुछ कुछ लोग इस वीडियो को भी देख के कुछ जज कर रहे होंगे, भाई अगर जज कर रहे हो ना तो अभी से छोड़ दो इसको, ठीक है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, वार्निंग दे देता हूँ, अगर जज ही करना है ना इस वीडियो को छोड़ दो आप लोग, ठीक है, ये वही हिसाब हो जाएगा, बाप दादा ये करते थे तो अब जो अब चलो छोड़ो यार, किसी को कुछ नहीं बोलना है बस, बाकी आप मज़ा लो, आज आपको पूरा हम दिखाएंगे, आज शब बरात भी है, ठीक है, हम दुआएं भी मांगेंगे, जो मतलब किसी और राह पे चले गए हैं तो अल्लाह उनको नेक हिदायत दे और नेक रास्ते में लाए, जैसे उनके मतलब दादा परदादा करते थे वैसे ही उनको वापिस आने की तौफीक दे, अपने दादा परदादाओं को गलत नहीं समझे वो लोग, बस, ठीक है। अल्लाहु अकबर। Thank you.
अभी जो है बुलंद दरवाजे से हम जाएंगे नीचे, ठीक है। तो वो देख सकते हो आप, बड़ी देग है और ये छोटी देग है। यहाँ पे एक देग में खाना बनता है और एक देग में पैसे चढ़ते हैं, मतलब सोना चढ़ता है, अनाज चढ़ता है, बड़ा कुछ अपनी अपनी। चलिए गाइस अभी ज़ियारत भी करवाएंगे, बट अभी थोड़ी देर के बाद, अभी हम खुद नहीं गए अभी ज़ियारत करने, जाएंगे खुद ही। ये मेन गेट नंबर वन, जो मेन गेट है वो ये। चप्पल हमने हाथ में उठाई है, तो चलो जी। यहाँ से रश देखिए, रश देखिए गाइस, चलो चलो चलो, बहुत सारा रश है यहाँ, बहुत। देखिए रश देखिए, लोग आप देख सकते हो, हमें एक प्यारी सी चीज मिली है, देख सकते हो कितनी खूबसूरत है। तीन चार वो उधर पीछे जैसे है, उधर और है, एक होटल में है ये, ठीक है, वो देख सकते हो आप। एक ये है और एक ये है। म्याऊ 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 म्याऊ, देख सकते हो आप। सो भाई लोग अभी जो है अभी पिएंगे पानी, ठीक है, फिर उसके बाद एक और दरगाह पे जाएंगे, तो मिलेंगे आपसे, ठीक है। हर एक मार्केट मिलेगी ये खास राजस्थानी सूट दुपट्टे वगैरह, देख सकते हो आप। हम जा रहे हैं अपने होटल वाली साइड, वहां से हमने मतलब टैक्सी वगैरह कुछ करके फिर ऊपर जाना है हमने सरवराज शरीफ एंड ताड़ागर। ताड़ागर क्या पता हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताए, बट सरवराज शरीफ आज पक्का बता के पक्का, देख सकते हो आप गाइस। और हमारे साथ नदीम मामू भी जुड़ चुके हैं, ये भी आए खास मतलब शब्बे शब के लिए, शब्बे बरात तो अभी मुकम्मल, अभी जाएंगे अंदर भी जाएंगे, ठीक है, हाजिरी पेश करेंगे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? सरार शरीफ जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलिए यही, चलिए बने रहिए, आपको दिखाएंगे अजमेर की गलियां इंटरेस्ट में, ठीक है। ये यहाँ से सुबह लोग अभी जो है हम पहुंच चुके हैं सरवार शरीफ, और अब जो है गाड़ी में नींद आ रही थी काफी, 70 किलोमीटर है अजमेर शरीफ से, गाड़ी में नींद भी आ रही थी बड़ी। अब जो अब हम पहुंच चुके हैं, आपको दिखाते हैं कुछ ऐसा मंजर है, वो गेट है, देख सकते हो गाइस। ये कुछ एरिया है, देख सकते हो आप, और ये इतने बड़े बड़े गेट। सो भाई लोग ये अभी दरगाह है, सबसे पहले करेंगे हम वुजू करके असर की नमाज पढ़ के फिर आपसे मिलेंगे। देख सकते हो आप इधर, ठीक है, खुले पानी से करना, खुले पानी से ऐसे करना, तो ऐसे, ठीक है। ये दरगाह है अंदर, और अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे नमाज, हमारा वुजू वगैरह हो चुका है, ठीक है, नमाज पढ़ के आपसे मिलते हैं, ठीक है। ये है मस्जिद। सो गाइज ये है दरबार, ठीक है, ये है जजार, ठीक है, मजारात इधर है, और इसके पीछे ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो आप, खूबसूरत नज़ारा है ये, देख सकते हो आप गाइज, खूबसूरत नज़ारा। ये एक झील टाइप है, कुछ झील है, ये बैक साइड बिल्कुल साथ में है ये मज़ारात के, देख सकते हो आप, ठीक है। सो गाइज यहाँ हमारी ज़ियारत हो चुकी है, अच्छे से हमारी ज़ियारत हो गई, तो अब जा रहे हैं हम फिर से अजमेर शरीफ की तरफ, देख सकते हो आप। ठीक है गाइज, और आप इस कप का अंदाज़ा कर सकते हो तीन उंगलियों के जितना, और अपनी अभी तीन उंगलियां अपनी देखो और इसको देखो, ठीक है, और अंदर देखो, चाय है ये, वाह। सो भाई लोग अभी जो है हमारी ये वाली ज़ियारत हो चुकी है, तो अब जा रहे हैं हम अजमेर शरीफ की तरफ, थक गए बट गाड़ी में यार, पहले से थक गए यार, क्या बताए यार,
ये ज़ारत है पीछे देख सकते हो आप, ये ज़ारत का गेट है, ठीक है, गेट है तो वो गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी दिखाते हैं आप, ये गाड़ी है कुछ तो इसी में ट्रैवल करेंगे हम, एक्सोइल लो पता नहीं कौन सी है। तो भाई लोग अभी जो है हम आ चुके थे तारागढ़ से और अब जो है अब हम कुछ इस लोकेशन में है, हम अभी देख सकते हो आप अभी अजमेर शरीफ में, हम अजमेर की सिटी में देख सकते हो आप, अभी आए थे हम पलक जूस सेंटर आप देख सकते हो और अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे तो जूस वगैरह पिएंगे, ठीक है, थोड़ी देर के बाद आपसे मिलेंगे फिर क्योंकि गाड़ी से आए ट्रैवल किया इतना तो थक के। इनका जूस आ चुका है और हम भी ले गए, हमने मंगाया हुआ है बनाना वाला सिंपल, ठीक है, हमारा वाला पीछे रेडी हो रहा है अभी, कुछ रिव्यू देख लो गाइस, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास अभी आएगा हमारा, ठीक है, तो ये हमारा आता होगा, ठीक है, थैंक यू भैया, देख लो गाइस। So guys, हमने सामान वगैरह लिया थोड़ा बहुत, बैटरी वाला ऑटो आ रही है, आ रही है, मारिए इसको हाथ, बैटरी डिग्गी तो ये साफ है यार, थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे हमें मिल चुके हैं भैया और ये छोड़ेंगे हमें दरगाह तक, ठीक है, कोई मान रहा नहीं था क्योंकि आज शब है तो गाड़ियां जाने नहीं देती है, भैया ने माना है, ठीक है, ऐसे चलिए भाई। गाइस अब जो है यहाँ भीड़ स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ आप देखिए कितनी भीड़ है, गाइस आप देख सकते हो ये कोई सेलिब्रिटी आए हुए है तो अब जो है पुलिस सिक्योरिटी इनके साथ है, तो फुल भीड़ है जो भाई, आप खाना बांटा जा रहा है और भीड़ देखिए, भाई यहाँ वाकिया यहाँ लोग घूम जाते हैं, हमारे बंदे वो आ गया, मेरा कोई खोश खकाब ही नहीं है इनको, कोई मेरी फिक्र ही नहीं है इनको, आप देख सकते हो पूरे मजे के साथ, और ये होटल है हमारा, ठीक है, ये कुछ नाम है होटल जन्नत, ठीक है, जाएंगे इस पे आराम करेंगे, ठीक है, आप अभी जो है हम यहाँ सीख खाएंगे, ठीक है, सीख खाएंगे मशहूर सीख अजमेर की, और क्वाब देख सकते हो, चिकन वगैरह सब कुछ है, ठीक है, और ये होटल के बाहर ही है सीख वगैरह, ये खा के वजू करके और कपड़े देखेंगे पहनने के पाएंगे नहीं पहनने के नहीं पाएंगे तो फिर निकल पड़ांगे किथे, अजमेर शरीफ दरगाह से, ठीक है, दरगाह से निकल पड़ांगे। भाई लोग इन लोगों का इतना काम है यहाँ कि आप देख सकते हो, एक जाता है दूसरा आता है, दो एक जाता है दूसरा आता है, पूरी मार्केट में बहुत ही ज्यादा काम है, बहुत ही ज्यादा, और हम भी बैठ चुके हैं खाने के लिए, देखते हैं वेट करेंगे। लोग हमारे कबाब वगैरह आ चुके हैं ये खा के, बस मजा आ गया खा के, एकदम मसला मसले को तसला, बहुत ही मजा आया, नफरत का शरबत पिला रहे, देख सकते हो आप, चेक करो उसको, देखो नफरत का शरबत, आके पिए, ये भी ट्राई करेंगे, जब भी दही चाहिए दही ही नहीं है, सीधे आगे दही मिलेगा, गाइस आगे आओ आगे मिलेगा, हाँ तो गाइस अभी चाहिए हमें दही खाना है क्योंकि यहाँ की जो यहाँ का खाना होता है वो बहुत ही गर्म होता है तो तभी दही चाहिए। तो भाई लोग खाना वगैरह हमने खा लिया है तो अब जा रहे हैं हम मतलब कि शब करने के लिए, तो आप सब बने रहिएगा, बहुत ही ज्यादा शोर है वो मुझे पता है, चलो।
गाइस मेरे को लगता है कि ये व्लॉग जो है बहुत ही बड़ा हो चुका है, तो अगर आपने आगे कंटिन्यू रहना, आगे क्या कंटिन्यू, बहुत ही अच्छा व्लॉग होना है, अब तो शुरुआत है, अगर रहना है तो आप प्लीज तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का मतलब इंतजार कीजिए गाइस, ठीक है, बने रहिए। ने पहुंचाया सरकार के कदमों में, सद शुक्र मैं फिर आया सरकार के कदमों में।